गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको पढ़ाते हैं जो कबीरदास जी के दोहे। ठीक, दोहों में आती है साखी। तो दो दोहे जो है लिखे हुए हैं, जैसे सतगुरु हमसो रीजगर एक कहा प्रसंग, बरसया बादल प्रेम का बीज गया सावन। मैंने आपको करवा दिया था। राम नाम के पटकले देवेंगे कुछ नाई, क्या ले गुरु संतोषे हौस रही मनवाई। हौस माने होता है तो मतलब मेरे मन की इच्छा जो है मन में ही रहेगी। अब देखिएगा नंबर आता है थर्ड, ज्ञान प्रकाशया, ज्ञान प्रकाशया गुरु मिलिया, ज्ञान प्रकाशया गुरु मिलिया सो जन बिसर जाए, सो जन बिसर जाए सो जन बिसर जाए जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद कृपा करी क्या हुआ, सो तब गुरु मिलिया आए, तब गुरु मिलिया आए। नंबर आ गया थर्ड। ठीक है, अब ये आ गया नंबर फोर। नंबर फोर में लिखा है माया दीपक नर पतंग भ्रमी इमे पड़ंतु कह कबीर गुरियां दी, कह कबीर गुरु ज्ञान दे एक आध उबरा, एक आध। तो देखिएगा ये लिखा है ज्ञान प्रकाशया गुरु मिलिया सो जन बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। ठीक है, तो तब गुरु मिलिया आए। देखिएगा, कहते हैं कि कबीरदास जी का मतलब कहना है, या कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से, जब गुरु हमें प्राप्त हो जाता है, कहते हैं ना जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। जब गुरु हमारे ऊपर मतलब प्रसंग देखते हैं ना, उसमें दिखा जाता है कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और गुरु किससे मिलता है, गुरु किससे मिलता है, गुरु किससे मिलता है, गुरु ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। मतलब गुरु की कृपा से ही, प्रसंग में देखेंगे गुरु की कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, ज्ञान की प्राप्ति और ईश्वर नहीं, गुरु की कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और गुरु किससे मिलता है, और तो गुरु भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। गुरु जो है भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाशया गुरु मिला, जब मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो गया, जब हमारे अंदर गुरु के ज्ञान का प्रकाश हो गया तो हमें गुरु की प्राप्ति हो गई। गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर मतलब ज्ञान का प्रकाश, सो जन बिसर जाए जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद भगवान मतलब ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करते हैं तभी हमें गुरु की प्राप्ति होती है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम उसे भूल जाओ, बिसर जाए, बिसर माने होता है भुला दो, ऐसा ना हो जाए कि तुम उसे भुला दो, है ना। और क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही सद्गुरु की प्राप्ति हुई है और उन्हीं की कृपा से तुम्हें ज्ञान भी मिला है। कहते हैं देखिए फिर से देखिएगा एक बार, ज्ञान प्रकाशया गुरु मिलिया, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु मिलिया, ज्ञान प्रकाशया गुरु मिलिया, गुरु के मिलने से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, गुरु के मिलने से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सो जन बिसर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसी ईश्वर को ही भुला दो, मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम उस ईश्वर को ही भूल जाओ। क्योंकि ईश्वर जब गोविंद कृपा करे,
क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही, क्योंकि ऐसी ईश्वर की ऐसी कृपा से ही तुम्हें सद्गुरु की प्राप्ति हुई है और उनकी कृपा से ही तब गुरु मिले आए और उन्हें की कृपा से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उन्हें की कृपा से ही तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो इसमें ही काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे, रस कितना है, शांत रस, शांत रस है, और अलंकार है अनुप्रास अलंकार, ठीक है, मतलब अनुप्रास अलंकार है और साथ में रस शांत रस है, और भाषा इसमें लिख दीजिएगा सुदक्कड़ी भाषा, भाषा क्या लिखेंगे, सुदक्कड़ी भाषा, पहले इसका लिखेंगे संदर्भ, नहीं संदर्भ तो एक बार लिख लिया आपने स्टार्टिंग में, इसका यहाँ पे लिखेंगे इसका प्रसंग, प्रसंग के बाद में लिखेंगे इसकी व्याख्या, व्याख्या के बाद में आता है काव्यगत सौंदर्य, तो काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे रस शांत, रस शांत है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, और भाषा है सुधक्कड़ी, सुधक्कड़ी नहीं सधुक्कड़ी, धा में छोटे की मात्रा लग जाएगी, धा में छोटी की मात्रा लगाना चाहते हैं ना, धा में छोटी की मात्रा ऐसे कट लग जाती है, तो भाषा है सधुक्कड़ी भाषा, कैसी भाषा है, सधुक्कड़ी भाषा। देखिए नंबर 4 लिखा है माया दीपक नर पतंग भ्रमिरम एमे पड़ंत कहे कबीर गुरु जानते एक आगे, कबीर दास जी कहते हैं, देखिए कबीर दास जी कहते हैं ये माया दीपक, ये जो सांसारिक माया मोह है, ये जो सांसारिक माया मोह है ये कैसा है, दीपक के समान, दीपक के समान है ना, भ्रमिरम एमे पड़ंत, और जो पतंगा होता है ना दीपक के प्रकाश से आकर्षित होकर के, पतंगा दीपक के प्रकाश, पतंगा मतलब जो कीड़े मकूड़े हो जाते हैं, तो पतंगा जो होता है उसे पतंगा कहते हैं, पतंगा जिसके मतलब पर होते हैं, पतंगा जो होता है दीपक के प्रकाश से प्रकाशित होकर के बार बार उसके ऊपर आकर के गिरता है, उसे मालूम भी होता है कि मैं इसमें गिर जाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा, मालूम भी होता है कि उसे मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं गुरु ज्ञानते, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो एक आधा व्यक्ति ऐसा होता है गुरु के ज्ञान से इस संसार से मुझको प्राप्त हो जाता है। कहने का आशय ये है कि ये माया, माया मोह जो है एक दीपक के समान है, और मनुष्य क्या करता है, पतंगा दीपक के प्रकाश से प्रकाश आकर्षित होता है ना, तो मनुष्य जो है, मनुष्य जो है, मनुष्य क्या है, मनुष्य माया मोह के प्रति आकर्षित होकर के बार बार उसी में जा माया मोह के जाल में जा करके फंस जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं जिस व्यक्ति को गुरु के ज्ञान की प्राप्ति हो, तो जिस व्यक्ति को गुरु के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है या गुरु के ज्ञान का इसे प्रकाश मिल जाता है, एक आध उबरंत, उबरंत माने उबर जाता है, मतलब एक आधा व्यक्ति जो होता है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, एक आधा व्यक्ति जो होता है, एक आध व्यक्ति जो ऐसा होता है जो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब इसमें क्या है, अब देखिए गुरु ज्ञान दे, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, भ्रमि भ्रमि भ्रमिर भ्रमि ये पढ़ते अनुप्रास अलंकार, इसमें भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, इसमें भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, और इसमें वही भाषा लिख देंगे, भाषा लिख देंगे वही सुदक्कड़ी भाषा है, भाषा सुदक्कड़ी है, और रस कौन सा आएगा, रस शांत है, और छंद है दोहा, क्योंकि हमने देखा लिख दिया ऊपर दोहे, मतलब ये कबीरदास जी के दोहे हैं, तो छंद में लिख देंगे दोहा, रस हो जाएगा शांत, अलंकार हो जाएगा अनुप्रास, भ्रमि भ्रमि, और गुरु ज्ञान, क्योंकि गा और गा, भा और भा दो दो बार आए हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा अनुप्रास अलंकार, भाषा हो जाएगी इनकी सधुक्कड़ी भाषा, भाषा कौन सी हो जाएगी, सधुक्कड़ी भाषा हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार से काव्यगत सौंदर्य देखते हैं, ठीक है, अब इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा थर्ड और फोर्थ हो गया, आ गया जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाए, कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था, मैं मीन्स क्या होता है, जब मैं था, मैं मीन्स अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था, ये मैंने आपको उस दिन भी कराया था, एक बार समझ लीजिएगा, एक मिनट रिवीजन ही समझ लीजिएगा, जब मैं था, मैं मीन्स अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु नहीं, तो हमारे अंदर गुरु के ज्ञान का प्रकाश नहीं था, क्योंकि मैं हर काम में मैं ही समझता था कि ये काम मैंने किया है,
ये काम मैंने किया है, ये काम मैंने किया है। तो मैं जो होती है ना इंसान को, वो बहुत घमंडी बना देती है। तो मैं मीन्स होता है अहंकार। तो कबीर दास जी कहते हैं, जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था तो क्या था, तब गुरु नहीं, तब गुरु के ज्ञान का प्रकाश नहीं था। अब गुरु हैं हम ना हैं, अब मेरे अंदर मतलब ईश्वर की कृपा से गुरु के ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो चुका है और मेरे अंदर से अहंकार जो है मेरे अंदर से समाप्त हो चुका है। तो कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, सांकरी मीन्स होता है सकरी, सकरी मीन्स होता है छोटी सी जो गली होती है, प्रेम रूपी गली, ये प्रेम की जो गली है अत्यंत छोटी है, तामे दो ना समाए, इसमें दो व्यक्ति जो है एक साथ नहीं समा सकते, या तो मैं रहेगा या गुरु रहेगा, है ना। तो दो व्यक्ति जो है मतलब मैं भी रहे और साथ में गुरु भी रहे, ये तो हो ही सकता ना। तो इसलिए पहले आपको अभिमान को छोड़ना होगा, अभिमान जब आपके अंदर से समाप्त हो जाएगा, मैं का भाव समाप्त हो जाएगा, तो आपके अंदर गुरु के ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। तो कहते हैं, ये प्रेम रूपी गली जो है अत्यंत ही सकरी है, अत्यंत छोटी है, इसमें दो व्यक्तियों का प्रवेश एक साथ नहीं हो सकता, दो व्यक्तियों का प्रवेश जो है एक साथ नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें भी वही शांत रस आएगा, शांत रस आएगा, छंद दोहा आएगा और भाषा आएगी, भाषा आएगी सधुक्कड़ी भाषा। सुधुक्कड़ी भाषा में इसलिए दीजिएगा कि चाहे लिखेंगे आप खिचड़ी भाषा, ठीक है ना, साधुक्कड़ी, साधुक्कड़ी भाषा कबीरदास जी की भाषा है, साधुक्कड़ी भाषा। और इनकी शैली है मुक्तक शैली, कौन सी शैली, मुक्तक शैली, काव्यगत सौंदर्य में ऐसा ही रहेगा शैली, उसके आगे मतलब इक्वल का निशान लगाइए, देखिए मुक्तक शैली, रस इक्वल का निशान लगाइए, शांत रस, समझ आया, इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखिएगा नंबर आ गया 6, आप अपनी बुक खोलिए साथ साथ में देखते चलिएगा, ठीक है। भगत भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार मनसा वाचा करना कबीरा सुमिरन हारा। कबीर दास जी कहते हैं, भक्ति मतलब ईश्वर की भक्ति करना और उनका भजन करना, ईश्वर की भक्ति करना और उनका भजन करना हरि की नाम के समान है। हरि की नाम क्या होती है, नाव में जब व्यक्ति बैठ जाता है तो एक पार से दूसरी पार पहुंच जाता है, नाव में जब हमको एक पार से दूसरे पार जाना होता है तो नाव में बैठते हैं, तो नाव वाला जो नाविक जो है नाव को खेता है और हमको दूसरे पार ले जाता है, ले जाता है ना। तो नाव क्या है, भक्ति भजन हरि नाम, वो भक्ति भजन, भक्ति ईश्वर की भक्ति करना, उनकी आराधना करना, भविष्य की नाम के समान है, जो हमें क्या करेगी, भक्ति दूजा दुख पार मतलब ईश्वर की भक्ति और भजन करना करने के समान इस संसार में और कुछ नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा इस संसार में सब दुख ही दुख है, चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई देता है, दूजा दुख अपार, चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई देता है। मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुन रहा, कबीर दास जी कहते हैं, मनसा माने मन से, वाचा माने वचन से, कर्मणा माने कर्म से, मन से वचन से, वचन इसका होता है मुंह से, बोली से, वाणी से, वाणी से, तो मन से वचन से और कर्म से कबीर दास जी कहते हैं सुमिरन हार, मतलब हमें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही एक नाव ऐसी है, क्योंकि परमात्मा रूपी एक नाव ही ऐसी है जो हमें इस संसार से मोक्ष दिला सकती है या हमें इस संसार से मुक्ति प्रदान कर सकती है, मतलब हम इस संसार से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक। इसमें भी वही कि भाषा लिखेंगे साधुकड़ी, छंद लिखेंगे दोहा, दूजा दुख इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और रस हो जाएगा शांत रस, क्या हो जाएगा शांत रस। हाँ देखिएगा, कबीरा चित्ता चमकिया, कहते हैं कबीरा, नेक्स्ट नंबर 7 नंबर देखिएगा, कबीरा चित्त चमकिया चमुदिस लागी लाई हरि सुमिरन हाथ उगड़ा बेगे ले, हरि सुमिरन हाथ उगड़ा बेगे ले बुझाई। तो देखिएगा कैसे लिखे लिख पढ़ते हैं हम लोग, नंबर आ गया 7, इसमें
कहते हैं जो विषय वासनाएं, कभी दर्शी कहते हैं विषय वासनाएं, विषय वासनाएं जो हैं अविषय वासना रूपी अग्नि, जो हमारे अंदर विषय वासना रूपी, विषय वासना क्या है, विषय वासना है सुंदर कपड़े पहनेंगे, ट्रेन से खाएंगे, सोएंगे, एसी में एसी चलेगा, आराम से रहते रहेंगे, पिक्चर देखने जाएंगे, मॉल जाएंगे, बढ़िया चीज़ें खाएंगे, है ना, तो मतलब पिक्चर देखेंगे, ये सब हमारे अंदर जो विषय वासना है, विषय विषय रूपी वासनाएं हैं हमारे अंदर इंद्रिय चित्त रूपी, तो ये विषय मतलब विषय वासना रूपी जो हमारे अंदर अग्नि धधक रही है, जो हमारे अग्नि विषय वासना रूपी जो अग्नि की ज्वाला जल रही है, ये किससे शांत होगी, हरि नाम के स्मरण से ही शांत हो जाती है, हरि के नाम का स्मरण करने से ही शांत हो जाता है, ठीक है, हरि के नाम का स्मरण करने से शांत हो जाती है। आप प्रसंग में लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि विषय वासनाओं रूपी अग्नि, समझाया, विषय वासनाओं रूपी अग्नि ईश्वर के नाम का स्मरण करने से शांत हो जाती है, ठीक। अब इसके बाद में हम लोग लिखेंगे क्या व्याख्या, देखिए, कबीरा चित्त चमकिया चम दिस लागी लाई, कबीरदास जी कहते हैं कि ये संस्की इस संसार में सब जगह, इस संसार में सब जगह विषय वासना रूपी आग लगी हुई है, हर व्यक्ति को हर चीज चाहिए, आग लगी है, जल्दी से मिल जाए, हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति इस संसार में, हर व्यक्ति में, हर मानव के अंदर विषय वासना रूपी आग लगी हुई है, आग लगी हुई है, और क्या उससे क्या हो गया, मन जो है हमारा उसी आग में जल रहा है, मतलब आग लगी हुई है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो मतलब जो मन जो है हमारा उसी आग से जल रहा है, उसी अथवा जल रहा है, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं जो है उमड़ रही हैं, तो अपने मन को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा चित्ता चमकिया चहूं दिस लागी लाई, चारों तरफ आग लगी हुई है, हरि सुमिरन हाथू भरा भेगे ले जाए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में क्या बड़ा है, चित्ता चमकिया चौदिस लागी लाई हरि सुमिरन हाथू भरा, हरि के नाम का स्मरण रूपी घड़ा, हरि के नाम का स्मरण रूपी घड़ा तूने अपने हाथ में ले रखा है, जल का घड़ा है, और तू इस जल से अपनी शीघ्र ही कामनाओं की जो आग लगी हुई है तुम्हारे अंदर उसको तू बुझा ले। तात्पर्य है कि ईश्वर के नाम के स्मरण से ही विषय वासना रूपी अग्नि से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। समझा? कहते हैं कबीरा चित्ता चमकिया चमदिस लागी लाई, कबीरदास जी कहते हैं कि चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, और हमारा मन भी जो है उसी आग में झुलस रहा है। सिंपल से पढ़िएगा, देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि चारों तरफ विषय वासनाओं की अग्नि जल रही है और हमारा मन भी जो है ना उसी आग में झुलस रहा है, तो चौदिस लागी लाई, चारों तरफ आग लगी हुई है और मन भी उसी में झुलस रहा है, तो कबीरदास जी कहते हैं हरि सुमिरन हाथू भरा, तेरे हाथ में हरि के स्मरण रूपी नाम का घड़ा, जल से भरा हुआ घड़ा कि तू अपने हाथ में पकड़ रखा है, भेगी ले बुझाए, तो हरि के नाम के स्मरण से, जल रूपी घड़े से तू अपने विषय वासनाओं की जो आग है उसको तू बुझा ले, विषय वासनाओं की आग को तू बुझा ले। तो कहने का तात्पर्य कहते हैं कि ईश्वर के नाम का स्मरण करने से ही व्यक्ति जो होता है विषय वासनाओं की अग्नि से छूट जाता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ठीक। तो इसमें भी वही आता है कि भाषा लिखेंगे सा दुकड़ी, शैली लिखेंगे मुक्तक, और छंद आ जाएगा दोहा, और रस क्या लिखेंगे, रस शांत रस है, शांति रस है, सब में इस पूरे दोहे में शांति रस है, ठीक है। और हरि सुमिरन हाथू घड़ा, हरि सुमिरन मतलब हरि के नाम का स्मरण की का किसमें देखे, उपमेय और उपमान में अभेद कर दिया गया है, तो जहाँ उपमेय में उपमान का
भेद रहित आरोप होता है, अभेद कर दिया जाता है, वहां पर होता है रूपक अलंकार। तो हरि सुमिरन हाथ बड़ा में, हरि सुमिरन और घड़े में भरे हुए, हाथ में भरे हुए, घड़े में भरे हुए जल्द में, तो दोनों में अभेद कर दिया गया है, तो यहाँ पर आता है रूपक अलंकार। क्या आएगा? रूपक अलंकार। ठीक है, हरि सुमिरन हाथ बड़ा बेगे ले बुझाओ, इसमें है रूपक अलंकार। देखिएगा नेक्स्ट आता है 8 नंबर, अंशणिया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़िया राम पुगारी पुगारी। अंशणिया झाई पड़ी, अंशणिया मिस होती है आंखों में, कहते हैं ईश्वर के नाम का जो स्मरण करता है, अंशणिया मिस आंखें होता है, निहारी निहारी माने देख देख करके, और जीभ बढ़िया मिस जीभ में, जीभ बढ़िया छाले छाला पड़िया, बस छाले रूम में छाले पड़ जाते हैं, छाला पड़िया पंथ नहीं अंशणिया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीभ बढ़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। तो कहते हैं संत कबीर जी के, कहते हैं कि विरह से व्याकुल, मतलब एक विरहणी आत्मा जो है विरह से व्याकुल है, विरह से व्याकुल आत्मा का, जीव आत्मा का इसमें वर्णन किया गया है जो विरह से व्याकुल है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा जो है, जीवात्मा, जीवात्मा कौन है? हम लोग हैं जीवात्मा, जीव है हम लोग, और हम लोग ईश्वर आत्मा है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में तो कोई अंतर है नहीं। तो ये हमारी है, ये हम है जीव, इस संसार में जिसने जन्म लिया है पैदा का है जीव। तो जीवात्मा जो है परमात्मा के वियोग में बहुत व्याकुल है, जीवात्मा परमात्मा के वियोग में बहुत व्याकुल है। तो क्या होते हैं, मतलब भगवान की बात जोड़ते जोड़ते कहते हैं अंशणिया झाई पड़ी आंखें, मतलब भगवान कृष्ण की राह देखते देखते उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ गई, या आंखों के नीचे जो काले काले से जो धब्बे पड़ जाते हैं, आंखों के नीचे जो काले काले से धब्बे पड़ जाते हैं उसको कहते हैं झाइयाँ। क्या कहते हैं? झाइयाँ कहते हैं। तो कहती है अंशणियाँ छाई पड़ी भगवान कृष्ण की राह देखते देखते मेरी आंखों में झाइयाँ पड़ गई, अंशणियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, भगवान कृष्ण की बाढ़ जोड़ते जोड़ते ईश्वर की बाढ़ जोड़ते जोड़ते मेरी आंखों में झाइयाँ पड़ गई, और जीभ बढ़िया छाला पड़िया, और हमारे जीभ में छाले पड़ गए हैं, बोलते 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 क्या राम पुकारी पुकारी, राम के नाम का स्मरण करते करते मेरी जीभ, जीभ में क्या पड़ गए हैं, मेरी जीभ में छाले भी पड़ गए, छाले भी पड़ गए। तो कहते हैं कि परंतु, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी परमात्मा ने मेरी गुहार नहीं सुनी, मतलब गुहार नहीं सुनता है मेरी विनती प्रार्थना, ईश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, नहीं सुनी है, क्योंकि सच्ची लगन सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना, समझाया, सच्चे मन के द्वारा, सच्ची पवित्रता के बिना और सच्चे प्रेम के बिना ईश्वर की बाट जोड़ना जो है बिल्कुल व्यर्थ है। कहते होते ना माला, माला तो कर में फिरे, कहते हैं ना भाव सामने से लिखते हैं, माला तो कर में फिरे, माला नाम 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 पढ़ते जाते हैं माला का, तो माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माई, मनुआ तो 24 फिरे ये तो सुमरन नहीं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आपको भगवान के नाम का स्मरण करना है तो चारों तरफ से अपना ध्यान डालो और सीधा परमात्मा की तरफ ध्यान लगाओ, इस संसार में क्या हो रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तब होता है परमात्मा का ध्यान। तो आप ईश्वर की बाढ़ जोड़ते हो, मतलब परम जीवात्मा जो है परमात्मा की राह देखते 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 उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ गई, और राम का नाम पुकारते पुकारते उसके जीव में छाले पड़ गए। लेकिन फिर भी कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे मन से सच्चे प्रेम से और मन की पवित्रता, पवित्रता हो, पवित्रता के बिना राम का नाम जपना व्यर्थ है, राम का नाम जपना ही व्यर्थ है। तो इसमें वही लिखेंगे कि भाषा सुधाकड़ी है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, रस शांत है, और इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार है, और इसमें रहस्यवादी भावना का वर्णन किया गया है, समझाया, रहस्यवादी भावना का वर्णन किया गया है, ठीक, अनुप्रास अलंकार।
लिखिएगा नेक्स्ट नंबर एट। नंबर एट में लिखा है झूठे सुख को सुख कह मानते हैं मनमोर जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ गुण। तो कहते हैं सांसारिक सुख को मिथ्या बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी ने कहा है कि ये सारा संसार, ये जो सारा संसार हम यहाँ जिस संसार में रहते हैं, ये संसार एक मिथ्या है। मिथ्या मतलब झूठा है, मिथ्या है, झूठा है। उन्होंने इस संसार की यथार्थता को स्पष्ट कर दिया है। इस संसार को का मतलब कहते हैं इस सांसारिक सुख को मिथ्या बताते हुए उन्होंने प्रसंग में लिखेंगे इस संसार, कबीरदास जी ने सांसारिक सुख को मिथ्या बताते हुए संसार की असारता का वर्णन किया है। असारता मतलब इस संसार में कोई भी सार नहीं, मिथ्या है, झूठा है, ये चार दिन में नष्ट हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो देखिएगा झूठे सुख को सुख कह मानते हैं मनमोह, कबीरदास जी कहते हैं सांसारिक सुख को जो मिथ्या और क्या जिनका परिणाम दुखदायी होता है, जिनका परिणाम दुखदायी होता है, क्या लोग समझते हैं सच्चा सुख समझते हैं। झूठे सुख को सुख कहा जो ये सारा संसार जो झूठा है, मतलब जैसे हम लोग सुख बहुत सुख हम लोगों को प्राप्त होते हैं, आराम से सो रहे हैं, आराम से पिक्चर देखने जा रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, नाच बढ़िया खाना खाते हैं अपने होटलों में, तो क्या होता है हम लोग उसको समझते हैं बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, इसी यही सुख है इस सांसारिक संसार का, इस मानव का यही सुख है। तो कहते हैं सांस झूठे सुख को सुख कहत, इस मतलब मनुष्य जो है इस झूठे सुख को सुख समझते हैं और अपने मन में बड़े प्रसन्न होते हैं, मानते हैं मनमोद और मन ही मन में बहुत प्रसन्न होते हैं। जगत चवेना काल का, कबीरदास जी कहते हैं ये सारा संसार काल के चबेने के समान है। ये सारा संसार कैसे है, काल के चबेने के समान। काल मीन्स क्या होता है, काल मीन्स होता है, काल मीन्स होता है मृत्यु, काल मीन्स होता है समय, समझाया। तो काल के चबेने के समान है कुछ मुख में कुछ बोल, जिस प्रकार से चबेना होता है, चना होता है ना, हम लोग चबाते हैं तो कुछ तो मुँह में रख लेते हैं और कुछ हाथ में पकड़े रहते हैं। तो क्या होता है मुख में पकड़े रहते हैं, मुख में डालते हैं और कुछ हाथ में पकड़े रहते हैं, क्यों, इसको हमको अभी मुंह में डालना है। तो मतलब कुछ तो काल के गाल में समा चुके हैं, मतलब जो चबेना जो हम लोग मुंह में डाल चुके हैं, मतलब कुछ तो काल के गाल में समा चुके हैं और कुछ काल के मुंह में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। कुछ जो हाथ में पकड़े हुए हैं वो काल के मुख में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोल, कुछ मुख में कुछ गोल। तो कहते हैं हे जीवात्मा, कहते हैं कि हे जीवात्मा, हे जीवात्मा तुम क्या करो, जगत मतलब जिसमें कुछ गोल में पड़ा हो, इसलिए तुम्हें क्या चाहिए, इस सांसारिक सुख को भुला करके तुम्हें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, ठीक, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो इसमें लास्ट में लिख देते हैं काव्य सौंदर्य, वही आएगा भाषा सुलकड़ी है, रस शांत है और शैली मुक्तक है और छंद दोहा है और बस, और इसमें आता है रूपकंगा, झूठे सुख को सुख कहे मानते हैं मनमोर जगत चबेना काल का, ये सारा संसार काल के चबेने के समान है, मृत्यु के चबेने के समान है। जो चबेना हम लोग खा रहे हैं, चने हम लोग जो मुँह खाए हैं, कुछ तो खा चुके हैं मुँह में डाल के चबा रहे हैं और कुछ हाथ में पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, मतलब कुछ तो काल के गाल में समा चुके हैं और कुछ जाने के लिए तैयार, ठीक, ओके, थैंक यू, नेक्स्ट।